हे हेलो किसान भाइयों, मैं हूं आपका मछली वाला भैया उन्मेष डहरिया, फिशरीज ग्रेजुएट एंटरप्रेन्योर, और आप देख रहे हैं ऑस्कर फिशरीज। आज की स्टूडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों ग्रास कार्प मछली के बारे में। देखिए, जब भी हम लोग एक्जोटिक कार्प मछलियों के बारे में डिस्कस करते हैं तो मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा बढ़ने वाली, सबसे ज्यादा कम समय में तैयार होने वाली मछली आपकी ग्रास कार्प मछली है। और इस मछली को पालन करना सबसे ज्यादा आसान है, क्योंकि देखिए इस मछली के नाम में ही छुपा है ग्रास कार्प मछली। मतलब इस मछली को आपको अलग से कमर्शियल फीड खिलाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये मछली आपके जो टेरेस्ट्रियल ग्रासेस हो गया, जो आपकी खरपतवार हो गया, उसको खा करके भी इस मछली का पालन किया जाता है। तो सबसे पहले इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि अगर आप ग्रास कार्प मछली का पालन करना चाहते हैं तो इस मछली को आप सिंगल स्पीसीज के रूप में पालन ना करके दूसरे मछलियों के साथ पालिए। आप अपर लेयर मछली में कतला पालिए, मिडिल लेयर में आप ग्रास कार्प पालिए, और निचले हिस्से में आप अमूर कार्प पालिए। ये तीन मछलियाँ जो अलग अलग लेयर में रहती हैं, जिससे आप अपने तालाब को अच्छे से उपयोग कर पाते हैं, और छोटे जगह में भी आप अलग अलग लेयर की मछलियों का पालन करके ज़्यादा उत्पादन ले पाते हैं। दूसरी बात, जब भी आप ग्रास कार्प मछली का पालन करें तो दोस्तों तालाब है वो थोड़ा सा आप बड़ा साइज का तालाब में इस मछली का पालन करें, क्योंकि क्या होता है छोटे तालाब में इस मछली का वेट है, भार है, वो ज़्यादा बड़ा नहीं हो पाता। तो जितना बड़ा तालाब आप बड़े तालाब में इन ग्रास कार्प मछली का पालन करेंगे, उतने बड़े साइज की मछलियाँ हैं वो आपके तालाब से तैयार होंगी। तो जो भी किसान भाई जिनके तालाब में मछलियाँ छोटी रह जाती हैं, उसका ये भी कारण है कि उनको बड़ा तैरने के लिए अच्छा सा स्पेस नहीं मिल पाता, जगह नहीं मिल पाती। इस वजह से आप अच्छे से खाना खिला भी रहे हैं, इसके बावजूद भी आपके तालाब में मछलियां हैं वो बड़ी नहीं होती, बढ़िया 1 किलो 2 किलो साइज की नहीं होती। दूसरी बात, हम लोग जब तालाब में ज़्यादा संख्या में ग्रास कार्प बच्चे छोड़ देते हैं तब भी इस मछली की जो भार है, जो लंबाई चौड़ाई है, वो ज़्यादा बड़ी नहीं हो पाती। तो सही संख्या में बच्चे डालना और सही साइज का तालाब होना बहुत ही जरूरी होता है। दूसरी बात, जब भी आप ग्रास कार्प का पालन करें तो तालाब की तैयारी के दौरान आपको अपने खाने में फाइटोप्लैंकटन और जूप्लैंकटन की अच्छी मात्रा तालाब में होना बहुत ही आवश्यक होती है, क्योंकि ग्रास कार्प मछली शाकाहारी मछली है, ये घास फूस के अलावा फाइटोप्लैंकटन को ज़्यादा खाती है। तो इस वजह से तालाब में थोड़ी मात्रा में जो टेरेस्ट्रियल ग्रासेस होती हैं, जो हमारे तालाब के निचले हिस्से में उगती है, उन वैसी तालाब में आप ग्रास कार्प मछली का अगर पालन करेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होता है, क्योंकि तालाब में पहले से ही खरपतवार उपस्थित होती है। इस वजह से आपको अलग से कमर्शियल फीड या फिर जो हम लोग फार्ममेड फीड खिलाते हैं वो डालने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहते भी हैं तो अपने तालाब से ही जो बड़े साइज के जो पत्तियां होंगी, जो खरपतवार होंगी, उसको आप उखाड़ करके उसको छोटे छोटे टुकड़े में काट दीजिए और तालाब में सीधा डाल दीजिए। आपको अलग से उसको बैक फीडिंग या फिर कराने की जरूरत नहीं है, अगर आप एकदम से देसी तरीके से ग्रास कार्प का पालन करना चाहते हैं तो, ठीक है। दूसरी बात, तालाब की तैयारी के दौरान आप गोबर या फिर अच्छे जो काऊ डंग हो गया, आपकी पोल्ट्री का खाद हो गया, पिग का खाद हो गया, उसका प्रयोग जरूर करिए, क्योंकि उससे तालाब में उसकी फर्टिलिटी बढ़ती है, मिट्टी की फर्टिलिटी अच्छी हो जाती है, पानी में प्राकृतिक भोजन की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे आपकी ग्रास कार्प मछलियाँ अच्छे से तैयार हो जाती है। तैयारी के लिए आपको एक एकड़ में लगभग 500 किलो आप गोबर डालिए या फिर आपकी पोल्ट्री का खाद डालिए, उसके साथ आप थोड़ी मात्रा में DAP सिंगल सुपरफास्फेट भी डाल सकते हैं। अगर वो अवेलेबल नहीं है तो आप सिर्फ गोबर का ही प्रयोग करके तालाब में प्राकृतिक भोजन फाइटोप्लैंकटन और जूप्लैंकटन को बना करके, आपको पानी का कलर से ये पता चल जाता है कि तालाब में प्राकृतिक भोजन बन गया है कि नहीं। अगर पानी का कलर है वो हरा कलर थोड़ा शुरू हो गया, तब मतलब समझ जाना है कि तालाब में प्राकृतिक भोजन बन चुकी है, अब आप अपने तालाब में ग्रास कार्प मछली को छोड़ सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात कि यार तालाब में कितना ग्रास कार्प मछलियाँ छोड़ा जाए। देखिए, हम लोग IMC मछली पालते हैं तो एक एकड़ में लगभग 5000 फिंगरलिंग बच्चे छोड़ते हैं। एडवांस बच्चे अगर डाल रहे हो बढ़िया से 70 ग्राम 80 ग्राम 100 ग्राम के, तो हम लोग 3000 की संख्या में IMC मछलियाँ छोड़ते हैं। तो अगर आप फिंगरलिंग बच्चे डाल रहे हैं तो लगभग 15%
टोटल आप जितने मछलियां डाल रहे हैं उसका 10-15% अगर आपका तालाब है वो खरपतवार कम है उस तालाब में, मतलब साफ सुथरा तालाब है, तो उसमें 10-15% छोड़िए। और अगर जिस तालाब में खरपतवार की मात्रा लगभग 50% से ऊपर है तो वहां पर आपको अपने टोटल स्टॉकिंग में टोटल जितने भी मछलियां छोड़ रहे हैं उसका 30% आपको ग्रास कार्प मछली के छोड़ने चाहिए। मतलब खरपतवार ज्यादा है तो ज्यादा प्रतिशत में बच्चे छोड़िए, अगर खरपतवार कम है तो 10-15% बस आप ग्रास कार्प की मछलियों को आप तालाब में छोड़िए। क्योंकि मिडिल लेयर मछलियों को हम लोग संख्या में कम डालते हैं ताकि, क्योंकि ये अपर लेयर में भी जा सकती है, निचले हिस्से में भी जा सकती है, इस वजह से हम लोग इसको संख्या को हम लोग थोड़ा सा कम डालते हैं। लेकिन तालाब की परिस्थितियों के हिसाब से भी आप अपने ग्रास कार्प मछली को छोड़ने हैं वो आप डिसाइड कर सकते हो। अगर खरपतवार ज्यादा है तो 30-35% की स्टॉकिंग है वो आप ग्रास कार्प बच्चे करिए। लेकिन मैं ये सलाह दूंगा कि अगर आप बड़े साइज के ग्रास कार्प बच्चे तालाब में छोड़ोगे तो आपको ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि लगभग 50 ग्राम तक होने के बाद ही आपकी ग्रास कार्प मछलियां जो प्रॉपर पत्ती को अच्छे से खा करके पचा पाती हैं। तो मेरे हिसाब से आपको बड़े साइज के बच्चे छोड़ेंगे तो डायरेक्ट वो पत्तियों को खाना शुरू करेंगी, और आपका तालाब में अगर खरपतवार की मात्रा अच्छी है तो आपको अलग से तालाब में कुछ डालने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी ग्रास कार्प मछलियां प्राकृतिक भोजन और पत्तियों को खा करके भी तैयार हो जाएंगी। दूसरी बात, अगर आपका तालाब साफ सुथरा है वहां पर दोस्तों आपको अलग से ग्रास कार्प के लिए खाना तैयार करना पड़ेगा। उसके लिए आप, अगर आपके पास पत्ता गोभी अवेलेबल है उसको डाल सकते हैं, आपका जो भी भाजी वगैरह हो गया उसको भी आप चॉप करके और आपकी खली या फिर राइस ब्रांड के साथ मिक्स करके आप अपने तालाब में उसको डालिए। बहुत जगह तो जो भी पत्तियां तालाब के आसपास उगती हैं उसको भी लोग चॉप करके छोटे छोटे पीस में तोड़ करके और इसमें खली और थोड़ी मात्रा में राइस ब्रांड को मिला करके, है ना, उसको बैग फीडिंग कराते हैं। जो जाली वाला जो बोरा होता है ना, बैग होता है, उसमें इन सभी को मिक्स करके आप तालाब में लटका दीजिए, आपकी ग्रास कार्प मछलियां अच्छे से खा करके तैयार हो जाती है। ग्रास कार्प मछली को दोस्तों आप अगर 1 साल का समय देंगे तो ये मछली 2-2.5 किलो साइज तक पहुंच सकती है। अगर आप बड़े साइज के बच्चे छोड़ते हो, 100 ग्राम के बच्चे छोड़ोगे तो ये मछलियां 1 साल में लगभग 1.5-3 किलो साइज तक भी जा सकती हैं। तो ये आपके तालाब की परिस्थितियों पर भी डिपेंड करता है। अगर घास फूस ज्यादा हो तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आपके ग्रास कार्प मछली में मिलता है, और अलग से आपको कमर्शियल फीड खिलाने की जो झंझट होती है, जो फीड का जो खर्चा होता है वो बहुत ही कम आप ग्रास कार्प मछली के पालन में आपको लगता है। तो ग्रास कार्प मछली को तैयार करना बहुत ही आसान है, फीड खर्च बहुत कम है और इसका ग्रोथ परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है। इस वजह से मैं ग्रास कार्प मछली को बहुत अच्छे से पसंद करता हूँ। आप भी इस मछली को पालिए, डेफिनेटली आपको फायदा होगा। तो किसान भाइयों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। ऑस्कर फिशरीज पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले में किसान भाई, तब तक के लिए बड़ों को सम्मान करिए, छोटों को प्यार करिए और खुद का ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।